कैसे मेरे नन्हे बड़े कलाकारों, आप सबका एक बार से स्वागत है मेरे इंस्टीट्यूट के चैनल पर, जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पर। आज अभी मैं बैठा हुआ था स्टूडियो में, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज आपके लिए छोटा सा स्टोन आर्ट पे वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग करेंगे, इसके ऊपर क्या बनाना है। मैं छोटा सा लैंडस्केप टाइप ही बनाऊंगा। शुरू करते हैं। पेपर इसलिए रखा है कि आपका काम का जो वर्किंग एरिया है वो आपको आराम से दिख सकता है। आप इसको वाइट भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस रहती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राइंग करना शुरू करता हूँ। मेरी जो बेसिक मैंने ड्राइंग करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ कलरिंग करना। कलरिंग के लिए मुझे छोटे ब्रश लेने पड़ेंगे। आप 2 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर राउंड फ्लैट कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो आपके डिटेलिंग में काम आएगा। आप फ्लैट में 1 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। आप फ्लैट में 2 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ब्राउन बना लेता हूँ, उसका पार्ट। लेट्स सी। इस तरह का काम आप लोग कभी भी कर सकते हैं। आप जब भी इस तरह का लैंडस्केप बनाएं या स्टोन आर्ट करें, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि काम काफ़ी माइन्यूट और प्यार से और धीरे धीरे होना चाहिए। डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मिनीचर वर्क, जिसको हम छोटा काम भी बोल सकते हैं, वो कर रहे हैं और आप उसकी डिटेलिंग की तरफ ध्यान ना दें। माइनर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जैसे पेड़ की समय में ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे मैं फूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ब्रांच के ऊपर अपना पहलू है। हर ब्रांच के ऊपर अगर कुछ फूल लगे हैं, कोई फल लगे हैं, तो वो चीज़ें डिटेलिंग दिखानी आपको बड़ा ज़रूरी है। अगर खासकर आपके पास जैसे लैंड स्काई ब्लू था, वहाँ भी वो कर सकते हो। मैं ग्रीन के ऊपर येलो कर रहा हूँ, तो हाईलाइटिंग बहुत ज़रूरी है। सैपलिंग के ऊपर अगर आप लेमन येलो करें, तो इस तरह से काम करने से आपका काम खुद उभर के आएगा। चाहे वो स्टोन आर्ट हो, चाहे वो आप पेपर वर्क करें, ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक पेंटिंग है या वाटर कलर है, जिस तरह का मीडियम आप काम कर सकते हैं। हाइलाइटिंग वाइट लगाने से क्या होता है, चीज़ उभर के आती है, निखर के आती है। फिर इसके साथ मैं इसको हल्के से मर्ज कर दूंगा। तो अपना काम को करते रहें, अच्छा करें, तभी वो अच्छा हो पाएगा। अब मैंने जैसे वाइट करने के बाद मैंने अब
रेड कलर की क्रिम्सन कलर लेके मैंने हल्की हल्की कहीं कहीं फूल दिखाने की कोशिश की है। अब कुछ फूल अगर ज़मीन पे गिरे हैं तो ऑब्वियसली वो पेड़ पे होंगे, पेड़ों से जड़ के ही वो फूल नीचे गिरे होंगे, तो कुछ मैं नीचे भी बना चुका हूँ, ऊपर भी बना रहा हूँ। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें, हल्की चीज़ें को छोड़े मत बनाएं। हर एक एलिमेंट का पेंटिंग में अपना एक अलग योगदान होता है, उसी से ही चीज़ें कंप्लीट बनती हैं, आपका आर्ट वर्क अच्छे से बन पाता है। जब आपकी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाए, कि लगे कि आप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो हर एक एलिमेंट्स का फिर से मैं कह रहा हूँ ध्यान रखें कि वो अच्छे से बन पाए। इस समय मैं रास्ता बना रहा हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हैं अच्छे से तभी होगा कि इसकी आप बाद में आउटलाइन बाउंड्री कर सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट काम पेंटिंग्स में अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कैनवस पेंटिंग हो, चाहे वो स्टोन आर्ट हो, या किसी भी मीडियम में किसी भी तरह की पेंटिंग हो। तो इस तरह से आपकी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपका स्टोन आर्ट कंप्लीट है। देखिए खूबसूरत तो है ही है, आप भी कोशिश करें घर पे, तभी अच्छा हो पाएगा। प्रैक्टिस करते रहें, हमेशा मैं बोलते आता हूँ आर्ट इज़ ए बैकबोन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आर्ट हमेशा आपको प्रोत्साहन करता है अच्छे कामों में, आर्ट हमेशा आपको पसंद आता है हर एक काम में। नाम वगैरह लिख लीजिएगा, वो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपका स्टोन आर्ट तैयार होता है। आप स्टोन को कहीं भी से भी ले सकते हैं, आप नदी के किनारे से ला सकते हैं, आप कहीं माउंटेन्स में जा रहे हैं वहाँ पे तराशी अच्छा सा पत्थर मिल जाएगा आपको इजीली। उसको घर लाइए, उसको अच्छे से वॉश कीजिए, धोइए, साफ़ सुथरा कीजिए और उस पर आप अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे इस पेंटिंग में मैंने इसमें वाइट कलर नहीं किया है, तो आप वाइट भी कर सकते हैं, उससे इजीली थोड़ी सी ड्राइंग या कलर आपके ऊपर के आएंगे। इस तरह से आप लोग अच्छा अपना आर्टवर्क कर सकते हैं। मैं अपने हर वीडियोज़ में ये बोलता हूँ कि आर्ट इज़ ए बैकबोन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, ये भी मैं बोलता हूँ, आप आर्ट कीजिए, आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, मज़ा आएगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपका माइंड काफ़ी खुश होगा। जैसे हमारा अच्छे कपड़े पहनते हैं हम लोग, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हमारा अच्छा काम करें हम लोग, आर्ट वर्क करें हम, कंसर्न कोई भी हो जो आपकी माइंड की एक्सरसाइज हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन दबाइएगा। तब तक अच्छी पेंटिंग कीजिए, हैप्पी पेंटिंग, जय हिंद।